The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, दोस्तों, कोविड वैक्सीन के बारे में आपने सुन लिया होगा कि कोरोना की वैक्सीन, दो-दो वैक्सीन हमारे इंडिया में मौजूद है. एक है कोवैक्सीन और कोविशील्ड. मैंने पर्सनली दोनों में से कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगा चुके हैं और अब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस पे जनरल पब्लिक को भी वो लगाई जा रही है. एज रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि 18 साल से नीचे वो किसी को नहीं लगेगी, 18 साल से ऊपर वो किसी को भी लगाया जा सकता है. तो किसी को सवाल बहुत आ रहे हैं भी, आपके पास सवाल है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, अगर आपके अंदर शुगर, कोई ब्रेन में क्लॉट है, अगर आपको कोई COPD है, अस्थमा है, लंग्स की बीमारी है, स्मोकिंग करते हैं, ऑलरेडी बहुत बीमार हैं, तो क्या कोविड की वैक्सीन आपको लगानी चाहिए? क्योंकि इस बात की बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं कि कोविड की वैक्सीन के बाद माइल्ड सी बीमारी होने का रिस्क है. क्या रिस्क होगा? बॉडी पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, शरीर में जलन हो सकती है, आपके मसल्स में स्पाजम हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, हल्का फुल्का बुखार भी है. तो टेक्निकली किसी भी वैक्सीन के बाद इस प्रकार का रिस्पॉन्स आना एक अच्छी बात होती है. इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उस पर्टिकुलर वैक्सीन के जो कंपोनेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो कि बाद में अगर आपके अंदर कोविड का एक्चुअल वायरस आएगा तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज काम करेंगे. इसी उद्देश्य से वो आपको दी जाती है कि भाई अगर आपको इतनी सारी बीमारियां हैं तो कोविड की जो वायरस है वो कहीं ना कहीं से दौड़ते भागते आपके अंदर आ ही जा रहा है, या आ चुका है, या आएगा, फिर आएगा. तो इसीलिए फिर आने वाला आपको ज़्यादा नुकसान ना करें, इसलिए ये दिया जाता है. तो इस सिलसिले में आपको चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे हार्ट अटैक हो चुका है, चाहे आपकी हार्ट की बीमारी है, हार्ट फेलियर है, ब्लड क्लॉट है, ब्रेन में है, ब्रेन स्ट्रोक है, आप को किडनी की बीमारी है, आपको कोई भी बीमारी है, आप अस्थमा क्यों ना हो, फेफड़े आधे खराब क्यों ना हो, एक फेफड़ा पूरा का पूरा खराब हो, सिंगल फेफड़ा हो, सिंगल किडनी हो, नाक बंद हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, कोई भी ऐसी बीमारी है तो आप कोविड की, कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं. सिर्फ कब नहीं लेना है कोरोना की वैक्सीन, ठीक है, चलो कब नहीं लेना है कोरोना की वैक्सीन, अगर आपको ऑलरेडी इसी वक्त कोई इन्फेक्शन है तो. सीधी बात, अभी आपकी बॉडी में आपको निमोनिया है, आपको सर्दी है, आपको खांसी है, आपको कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है जिससे आप एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे, तो उस कोल्ड के चलते आप दूसरी वैक्सीन नहीं लेंगे, वो कोल्ड के चलते आप फ्लू वैक्सीन टाइप भी चीज़ नहीं लेंगे, कोविड वैक्सीन तो दूर की बात. सो इस वक्त अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है, अभी एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक आ चुका है तो नहीं लेंगे. अभी आपको और अगर आपको हिस्ट्री है कि आपको वैक्सीन लेने के बाद एनाफेलेक्टिक एकदम खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन आता है आधे घंटे में, तो भी आप कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे. लेंगे भी तो आपको अस्पताल में आधा घंटा बैठना पड़ेगा, और इसीलिए कोरोना की वैक्सीन ऐसे जनहित में जारी बेची भी नहीं जा रही है. मैं खुद भी चाहूँगा तो अपनी माताजी को भी मैं नहीं लगवा सकता. कौन लगाएगा? ये आपको उस अस्पताल में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं आरोग्य सेतु से भी रजिस्ट्रेशन होता है, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है. आरोग्य सेतु ऐप में जाके देखिए, मैंने देखा, मुझे मिला नहीं, पता नहीं. बाकी आपको अस्पताल जहाँ जहाँ लग रहे हैं वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा, आपको कॉल आएगा, नाम नंबर पे कॉल आएगा कि अपना आधार कार्ड, अपना ये कार्ड लेके इस दिन आइए, आपको पहला डोज लगेगा. सो वो उस हिसाब से आपको लगवाई जाएगी और आपका उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि इस बंदे को लगी है, यहाँ लगी है, ये वाली लगी है, और फिर अगली बार अगले हफ्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, ये सब देखा जाता है, ताकि ये भी देखा जाए, रिकॉर्ड भी रखा जाए गवर्नमेंट के पास से कि कितनों को लगी, कितना साइड इफेक्ट हुआ, कितने ठीक रहे, किसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सो कोरोना की वैक्सीन आप 18 साल के ऊपर है तो आप बिंदास लगाइए. अभी 18 साल के नीचे लगाने के लिए रिकमेंडेशन नहीं आया है तो अभी नहीं लगाई. आगे चल के हो सकता है 18 साल के नीचे वाले को भी बोला जाए कि तुम भी लगाओ, तो उनको भी लगाया जाएगा, ठीक है. 18 साल के ऊपर किसी भी उम्र तक कोविड की वैक्सीन लगाई जा सकती है. और
कोई भी किसी प्रकार की बीमारी इससे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, मगर यस आपको साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, इसलिए आधा घंटा आप अस्पताल में रुकेंगे। द ओनली मेजर साइड इफेक्ट्स आपको हो सकता वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है, उसके लिए आपको अस्पताल में रहना है। जो दूसरा मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, जो फीवर है, बॉडी पेन है, वो बिल्कुल हो सकते हैं, वो होना अच्छी बात है, उसे मैनेज करना है। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने वैक्सीन लगाया, मैं तुरंत मैंने पानी पीना शुरू कर दिया था। जब मेरे बॉडी में पेन हुआ, मसल पेन हुआ, थोड़ा फीवरिश हुआ और ज़्यादा पानी पिया, उससे क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी जब सामान बनाती है, जब घर बनाते हैं तो मलबा निकलता है, वैसे ही जब बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इन्फ्लामेशन होता है। सो उस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के वजह से पेन होता है, उस वजह से आपके बॉडी में बुखार आता है। तो उसको निकालने के लिए आपको सिर्फ पानी चाहिए। आप भरपूर मात्रा में अगर पानी पिएंगे, तो आपका जो बॉडी है उसको एक ही दो दिन में ही निकाल देगी एंड यू विल बी गुड, यू विल बी फ्री ऑफ सिम्टम्स। सो दिस इज माई एडवाइस कि कोविड वैक्सीन लगाइए, पानी पी के जाइए, पानी आके पीजिए, दवा आके पानी पीजिए, और साथ में अपने नॉर्मल आप चाहें तो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।